सबसे पहले मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ जो क्विज़ पोल में से फर्स्ट ऑप्शन को चुने थे, क्योंकि मुझे उसे फिर से पोस्टपोन करना पड़ा। ये वाला वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। हज़ारों साल पहले का आपको अपनी असली इतिहास पता चलेगी, जो प्रेजेंट सिचुएशन को समझने में काफ़ी मदद करेगी। तो वार के कई सारे कारण हैं, इसके रीज़न एक नहीं है। उन सभी कारणों को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे निचले दृष्टिकोण से देखें तो कारण वो होगा जो हमें मीडिया से बताती है, एकदम बकवास। अब अगर हम अपनी दृष्टिकोण थोड़ा और ऊपर करके देखें तो हमें यह पता चलेगा कि पुतिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है, बैड गाइस से लड़ रहा है, बायोलैब्स के साथ साथ कई सारे उनके बेसिस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इस दृष्टिकोण स्तर पर यह भी कारण आ जाता है कि यूक्रेन में एक आर्क मिला है, एक टाइम कैप्सूल मिला है जो कि पास्ट में इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन के द्वारा रखी गई थी, और पुतिन उसको अपने कब्जे में लेना चाहता है, बैड गाइस से पहले लेना चाहता है। इस दृष्टिकोण स्तर में ये कारण भी आ जाता है जिसमें एलियट्स हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ले जाने के लिए ये सब माइंड गेम खेल रहे हैं, मार्शल लॉ इम्पोज करने के लिए, स्कार्सिटी क्रिएट करने के लिए, करेंसी सिस्टम को फ्लॉप करके डिजिटलाइज करने के लिए, और भी बहुत कुछ। अब इस दृष्टिकोण स्तर से थोड़ा और ऊपर बढ़कर अगर हम देखें तो हमें बुरे एलियंस के करतूत दिखेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं कि ड्रैकोनियंस, ग्रे, अनुनाकियंस, ये सब हम इंसानों को इस प्लैनेट को कंट्रोल करके रखे हैं। तो ये बुरे एलियंस आखिर वार क्यों करवा रहे हैं? पास्ट में भी इन्होंने ही करवाया था, पास्ट के कई सारे देशों पे आक्रमण करना, गुलाम बनाना, हिस्ट्री बदलना, सब इन्हीं के निगरानी में हुआ था। तो आखिर ये क्यों करवा रहे हैं ऐसा? इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। उससे पहले इस दृष्टिकोण स्तर के ऊपर एक और स्तर है, उसके बारे में बात करते हैं। वह स्तर है सबसे ऊपर वाला, जिसे हम दिव्य दृष्टिकोण बोलते हैं। इसे आप भगवान के दृष्टिकोण से देखना ऐसे समझ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो एलियंस का पृथ्वी पर कब्जा का होना, वार का होना, ये सब हमें अवसर देता है अपने चैतन्य शक्ति को बढ़ाने का। इस दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ अच्छे के लिए होता है, हम सब ईश्वर में सम्मिलित होने के राह पे हैं, तो ये सब इवेंट्स हमें इस राह पे आगे बढ़ने में मदद करती है, पिछले डेंसिटी और पास्ट लाइफ के कर्मा को रिलीज करने में मदद करती है। खास करके जो न्यू साउल होते हैं, जो लोअर डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में भले ही इवॉल्व होकर आए हुए रहते हैं, उनको ये सब इवेंट्स ऊपर बढ़ने के लिए सिखाती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार हमें इन सभी सिचुएशंस को डीपली ऑब्जर्व करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, लड़ना सीखना चाहिए, लेसन्स लेनी चाहिए और अपने मर्जी से आगे या पीछे बढ़ते रहना चाहिए। तो ऐसे हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखकर कारण समझ सकते हैं। हम जिस दृष्टिकोण स्तर से अभी के हो रहे इवेंट्स का जो कारण देखेंगे वो ये है। आप जानते ही हैं हमारा प्लैनेट काफ़ी हज़ार सालों से बुरे एलियंस के कब्जे में है, उन्हीं की वजह से यहाँ पे शांति नहीं रहती। तो जो मेन नेगेटिव एलियंस है वो है अनुनाकियंस, जेहोबियंस अनुनाकियंस, ड्रैकोनियंस, नेक्रोमीटॉन्स, ये सब कई सारे फॉलन एंजल्स के साथ मिलकर धरती पे कंट्रोल पाने के लिए अलायंस फॉर्म किए और अपना काम करना शुरू किए, जिसको हम नेगेटिव एलियंस एजेंडा बोलते हैं। ये ग्रुप हम धरतीवासियों को कई हज़ार सालों से अफेक्ट करते आ रहे हैं। जैसे कि ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये हमारे गैलेक्सी और अर्थ पे पास्ट में हुई ट्रिगर इवेंट्स की लिस्ट है, मतलब कि इसी टाइम नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ टकराव हुआ था और इसके बाद बहुत बड़ी बदलाव आती रही। लगभग 20 मिलियन ईयर्स पहले ओरायन वार्स हुआ था, लायरन वार्स हुआ था, 5 मिलियन ईयर्स पहले इलेक्ट्रिक वार हुआ था हमारे गैलेक्सी में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से विजिट करके आप इन सब हाइलाइटेड पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। तो लगभग 52,000 साल पहले लेमुरियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, उनका एक छोटा सा कॉन्टिनेंट बचा हुआ था। तो उस वक्त यहाँ पे ड्रैकोनियंस हमला किए, सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स बनाकर फ्लक्चुएशन क्रिएट करने लगे, और फिर जब लेमुरियंस को इसके बारे में पता चला तो वह टनल्स को सील करने लगे, जो कि एक युद्ध में बदल गया। अर्थक्वेक्स आए, वोल्कानो फटी, बाढ़ भी आए, इन सब से लेमुरिया कॉन्टिनेंट बर्बाद हो गया। कुछ लेमुरियंस बचे थे तो वह आगे आने वाले आइस एज के दौरान अंडरग्राउंड शिफ्ट हो गए और फिर प्लैनेट्स का रिपेयरिंग गैलेक्टिक फैमिलीज के साथ मिलकर करने लगे। फिर लगभग 30,000 साल पहले धरती पर डिसेंशन साइकिल शुरू हुई थी। उस वक्त एक न्यू सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो कि अटलांटियंस थे। इनका भी सामना नेगेटिव एंटिटीज से हुआ, काफ़ी तबाही मची।
धरती के अंदर भी उस वक्त ब्लास्ट हुई थी, जितना लेमुरियंस के टाइम पे नुकसान हुआ था उससे भी ज़्यादा इस वक्त हुआ। धरती की एक्सिस झुक गई, कई सारे धरती की ग्रिड्स डैमेज हो गई, धरती के पोर्टल्स, स्टारगेट्स ये सब डैमेज हो गए। स्टारगेट्स को आप प्लैनेट्स का चक्र सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग की तरह भी काम करती है। तो उस वक्त इतना कुछ हुआ कि पृथ्वी फिजिकली और इनर्जेटिकली डैमेज हो गई, इसलिए पृथ्वी पे उस वक्त डार्क केस शुरू हुआ। अटलांटियंस को नेगेटिव एंटिटीज, माइंड कंट्रोल और मैनिपुलेटिव दुनिया में ले जाने लगे। फिर लोग कई हजार सालों तक गुलाम बनकर जिए, और फिर लगभग 22,000 साल पहले एसेंशन टाइमलाइन शुरू होने जा रही थी। तो उस वक्त ये नेगेटिव एलियंस अपना एजेंडा चलाए थे, लेकिन लव और लाइट की एनर्जी के सामने फेल हुए और फिर लोग सतयुग की तरफ बढ़ने लगे। फिर लगभग 11,000 साल पहले पृथ्वी पर फिर से डिसेंशन साइकिल शुरू हुई। उस वक्त ड्रैकोनियंस और अनुनाकियंस पृथ्वी के मेन स्टारगेट के पास गए, जो कि गीजा इजिप्ट में है। वहां पर जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के जरिए पृथ्वी के कोर पे हमला किए। ये पल्स इतना जोरदार था कि समुद्र के तलों को और टेक्टोनिक प्लेट्स को भी हिलाकर रख दिया। उस वक्त फिर से पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। गीजा का स्टारगेट, जो कि हमें सोलर बॉडी पाने में मदद करता है और एडी पोर्टल की तरह भी काम करता है, वो डैमेज हो गया था। इसलिए उस वक्त से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ बंद होने लगा। उस वक्त धरती का स्पेस टाइम फील्ड भी कोलैप्स हो गया था। तो एस्ट्रल प्लेन में भी यहाँ से जो एंटर करने का एंट्रेंस है वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। यहाँ पे इतना बड़ा धमाका होने के बाद हमारे गैलेक्सी में जो गार्डियंस थे वो धरती से वो सारे एडवांस टेक्नोलॉजी हटा लिए जो उस वक्त के इंसान इस्तेमाल किया करते थे। हटा इसलिए लिए ताकि नेगेटिव एंटिटीज उन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिर बाद में ये नेगेटिव एंटिटीज हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे इंटरफेयर करने लगे और हमें मैनिपुलेट करने शुरू कर दिए और डार्क एज के तरफ ले जाने लगे। हमारे गैलेक्सी के गार्डियंस को अच्छे से ये बात पता था कि ज़्यादा कुछ तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम गैलेक्टिक सेंटर के साथ फिर से अलाइन ना हो जाए। इसलिए इस डिसेंशन साइकिल के दौरान कई सारे अवतार आए हमारे पृथ्वी पे, जो हमें ज़्यादा डैमेज होने से बचाएं, हमें कई सारे नॉलेज और विजडम दिए जो हमारी मदद करे। इस तरह से गैलेक्टिक फैमिलीज हमारी मदद करते रहे और नेगेटिव एंटिटीज भी अपना काम करते रहे। वो नेगेटिव एंटिटीज सबसे बड़ा इन्वेजन लगभग 5,500 साल पहले की है। उस वक्त सकारा, जो कि इजिप्ट में है, वहाँ पे वार्म होल प्रकट हुई थी। उसी से निब्रू प्लैनेट से अनुनाकियंस आए थे। सुमेरिया में रहकर पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को वो बदलने लगे। हमारा डीएनए का एडिटिंग भी कर दी गई। हमारे डीएनए में जो गैलेक्टिक लेवल की इन्फॉर्मेशन थी और डाटा इनकोडेड थी उसको मिटाने लगा गया। हमारी असली आइडेंटिटी को हमसे मिटाने लगा गया और हमें माइंड कंट्रोल, मैनिपुलेटेड और एआई वाली दुनिया में धीरे धीरे ले जाने लगा गया। उन अनुनाकियंस को हमारा भगवान बनाकर हमारे सामने ऐसी झूठी हिस्ट्री पेश की जाती है, लेकिन असल में वो जेहोबियंस अनुनाकियंस थे, जो कि फॉलन एंजल्स थे, मतलब कि जो गुड अनुनाकियंस थे उनके अपोजिट में चलने वाले थे। वे नेगेटिव एलियंस हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर दिए। ये फील्ड पृथ्वी पे इनकमिंग और यहाँ से आउटगोइंग सिग्नल्स में बाधाएं क्रिएट करती है। हम हायर डायमेंशन से सिग्नल ले भी नहीं पाते हैं और इधर से दे भी नहीं पाते हैं। इसी तरह से हमें गैलेक्टिक और सोलर कॉन्शियसनेस से दूर करके सिर्फ पृथ्वी के कॉन्शियसनेस में, जिसको डैमेज कर दिया गया था, उसी में फंसा दिया गया। इसी के वजह से हमारा कॉन्शियसनेस पावर डाउन होता गया और जैसा वो हमारा कॉन्शियसनेस पावर बनाना चाहते थे वैसा बनता गया। हमें माइंड कंट्रोल की दुनिया में वो आसानी से लेकर चले गए। उस वक्त अनुनाकियंस और ड्रैकोनियंस साथ में मिलकर काम करते थे, तो पृथ्वी पे कंट्रोलिंग के लिए रूलिंग क्लास सिस्टम बना, एक सबसे बड़ी ग्रुप बनाया उन्होंने, जिन्हें हम इल्यूमिनाटी कहते हैं। वहीं समाज में हर एक तरह से वर्गीकरण किए, गरीब और धनी ऐसी लेवल्स बनाए। हमें डिवाइड करने के लिए ये रिलीजियस वायलेंस क्रिएट किए। लगभग 1700 साल पहले सैतानिक रिचुअल्स लेकर आए, किसी जानवर का, इंसान का बलि देना, ये सब हमारे सोसाइटी में इनकोड कर दिए। ये सब करने का उनका एक बहुत बड़ा कारण था, ये हमारे एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए ये सब कर रहे थे। इसके बारे में हम जल्दी देखेंगे कि ये क्यों इतना वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो इतना कुछ हुआ। लगभग 1500 साल पहले ये अनुनाकियंस और ड्रैकोनियंस ग्रेज के साथ कॉन्टैक्ट किए। फिर लगभग 6 साल पहले वर्ल्ड वार कराई गई थी, अर्थ के स्पेस टाइम ग्रिड्स को और प्रोटेक्टिव ग्रिड्स को डैमेज करने के लिए कराई गई थी।
ताकि जेटाज को धरती पे और इसके ग्रेड्स पे एक्सेस मिल सके और वह ह्यूमन अबडक्शन, उन पे एक्सपेरिमेंट्स ये सब कर सके। फिर लगभग 80 साल पहले वर्ल्ड वार टू कराई गई। इसको भी अलग अलग दृष्टिकोण स्तर से देखें तो अलग अलग कारण दिखते हैं। कबाल के लेवल से देखें तो कौन डोमिनेट करेगा इसके लिए हुआ था, लेकिन उन नेगेटिव एलियंस को इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीते और कौन हारे। उनके मास्टर्स को बस इससे फर्क पड़ता है कि कितने खून की बलि दिए। जैसा कि आपको पता है, हम मरते हैं तो अस्ट्रल जोन में जाते हैं, तो उस वक्त वो अस्ट्रल जोन को एंट्रेंस में कब्जा करके रखे हुए थे। साउल हार्वेस्टिंग किए और अपने प्लैनेट्स पे ले गए। फिर लगभग 30 साल पहले पृथ्वी पे एसेंशन टाइमलाइन शुरू होने जा रही थी, तो प्लेयर्स और सीरियस कॉन्स्टेलेशन के निवासी हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिए। लोग चैनलिंग करने लगे और हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे। फिर लगभग 25 साल पहले ट्विन फ्लेम्स पे हमला की गई थी। ट्विन फ्लेम असल में एक ही साउल होते हैं जो इस 3D रियलिटी में दो भाग में, एक मेल और फीमेल में स्प्लिट होके आते हैं। वो मेनली लॉ ऑफ एनर्जी के स्प्रीडर होते हैं। जब पृथ्वी पे इनका यूनियन होता है तो उससे बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा पैदा होती है जो प्लैनेट्स के हीलिंग के लिए काम करती है। तो इनके यूनियंस को बिगाड़ने के लिए जो पेरू में स्टारगेट है, अर्थ का 4 हार्ट सेंटर, उसमें वह इन्फिल्ट्रेशन किए। लेकिन उनके इस करतूत से अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब पृथ्वी पे एसेंशन टाइमलाइन शुरू हो चुका है। हम गैलेक्टिक सेंटर के साथ अलाइन हो रहे हैं, एनर्जी और हीलिंग बढ़ रही है। सभी स्टारगेट जो कि बुरे एलियंस के द्वारा डैमेज कर दी गई थी, वो अब धीरे धीरे हील हो रहे हैं। धरती पे जो NET फील्ड क्रिएट की गई थी वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए अब हमारे गैलेक्टिक फैमिलीज के साथ भी कनेक्शन बनने लगा है। पृथ्वी अब गैलेक्टिक और सोलर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन हो रही है, इसकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इसलिए इतनी हाई एनर्जी में उन नेगेटिव एलियंस के लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है। वह तो हमें फैंटम वर्ल्ड में हमेशा के लिए कैद करना चाहते थे ताकि वह हमारी एनर्जी का हार्वेस्टिंग हमेशा करते रहें, बट वह अब इसमें असफल हो चुके हैं। तो अंत में वह जाने से पहले कई सारे वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वह कई सारी एनर्जीज की हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं। उनका मेन फंडा हमारे एनर्जी को चुराना ही है, इसलिए वो हमें डिसेंशन साइकिल के दौरान कॉलोनाइज करने आते हैं। शैतानिक रिचुअल्स लाते हैं, किसी इंसान की, एनिमल्स की बलि देना, इसको हमारे रिचुअल्स में ऐड करते हैं और डर, टेररिज्म ये सब फैलाया करते हैं। चलिए देखते हैं कि एनर्जी की हार्वेस्टिंग ये कैसे करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राण शक्ति क्या होता है। प्राण शक्ति ये वह ऊर्जा है जिससे ये दुनिया और सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया। सब कुछ शक्ति है, सब कुछ शक्ति का ही पैटर्न है। ये मटेरियल वर्ल्ड भी प्राण शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है। प्राण शक्ति की वजह से ही हम जिंदा रहते हैं। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह से हम इस प्राण शक्ति को भी इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे बॉडी के पास पावर होती है इसे इकट्ठा करने की। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है उतना ही ज़्यादा हमारे पास प्राण शक्ति होता है। जितना ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस होता है उतना ही ज़्यादा हमारे पास प्राण शक्ति होता है। जो जितना ज़्यादा प्राण शक्ति इकट्ठा करता है उसकी इंटेलिजेंस उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, और जिसके पास जितना कम प्राण शक्ति होता है वो उतना ही कम इंटेलिजेंस वाला होता है। हमारे अंदर पाइपलाइंस होती है जिसे हम नारी बोलते हैं। वो नारी परमात्मा से कनेक्टेड होती है और इस नारी के जरिए ही प्राण शक्ति फ्लो करती है। बात यहाँ पर यह भी है कि इन नारी में ब्लॉकेज भी पैदा किया जा सकता है। ये सब तब होता है जब हम लोअर इमोशनल स्टेट में होते हैं, डाउट रखते हैं। इस प्राण शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। यही वह शक्ति है जो हमारे आसपास की फील्ड को हमारे डिज़ायर और इंटेंशन के अनुसार मैनिफेस्ट करती है। वो अपनी फ्रिक्वेंसी से फिजिकल रियलिटी को बदल देती है। तो आपको आभास हो ही गया होगा कि ये कितनी पावरफुल और वैल्यूएबल एनर्जी है। इसी एनर्जी का हार्वेस्टिंग करने के लिए वो नेगेटिव एलियंस हमें कॉलोनाइज्ड करते हैं। जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं जैसे कि ड्रैकोनियंस, जेहोबियन अनुनाकीज, जेटाज और आर्कॉन्स, जिन्हें हम भूत प्रेत भी बोलते हैं, ये सब लॉ ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले होते हैं, लोअर वाइब्रेशनल मोड में रहते हैं। इसलिए इनके पास प्राण शक्ति नाक के बराबर में रहती है, सप्लाई ही नहीं होती है। मेनली आर्कॉन्स के पास नहीं होती है, वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं, हमारे प्राण शक्ति को कंज्यूम करके जिंदा रहते हैं। ये नेगेटिव एंटिटीज हमारे प्राण शक्ति का हार्वेस्टिंग कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। जब भी हम पीड़ा झेलते हैं, फियरफुल स्टेट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहते हैं,
तो जब हम ऐसी लोअर वाइब्रेशनल इंटेंशंस और थॉट्स रखते हैं और लोअर वाइब्रेशनल काम करते हैं, जैसे कि फाइट करना, और जब लोअर वाइब्रेशनल स्टेट से गुजरते हैं, जैसे कि युद्ध करना, गरीबी, डिजास्टर्स और कई सारी बीमारियों से भी, तो जब इंसान ऐसी कई सारी सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ पे वो सफ़र करते हैं, तो उस वक्त उनके अंदर से लूस नाम की इनर्जी निकलती है, जिसे हम स्पिरिचुअल इनर्जी भी कहते हैं और इमोशनल इनर्जी भी कहते हैं। यही वो इनर्जी है जिसे नेगेटिव एंटिटीज सर्वाइव करते हैं और कुछ इकट्ठा करके अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी इनर्जी की हार्वेस्टिंग करने के लिए वो हमारे DNA को बदलकर अपर डेंसिटी से थर्ड डेंसिटी में लेकर आए, ताकि हम बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलें और वो हमारी प्राण शक्ति को चुराते रहें। लोअर डेंसिटी में लाकर वो हमारे सोसाइटी में सैतानिक रिचुअल सेट किए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जितना ज़्यादा पीड़ा झेलता है उतना ही ज़्यादा लूस इनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ ही और ज़्यादा हमारे सोसाइटी में दुख दर्द उत्पन्न किया, टेररिज्म फैलाया, बार बार वायलेंस क्रिएट किया, कितनी बार हमें आपस में ही लड़ाया, हमारे सोसाइटी को इतना ज़्यादा खराब किया कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लेकर हर एक घटिया से घटिया काम होने लगा। यह सब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राण शक्ति चुराने के लिए ही किया गया था। NRG ग्रिड आर्टिफिशियली बनाई गई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उन बुरे एलियंस ने ही बनाया है। इंग्लैंड में जहाँ पे स्टोनहेंज है उसी के पास बनाई गई है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे पूरे प्लैनेट से चुराई गई प्राण शक्ति आकर स्टोर होती है। उसके बाद वह कबाल सब उसको खुद भी यूज़ करते हैं और अपने मास्टर्स को भी देते हैं। एनर्जी ग्रिड की तरह ही वह कई सारी आर्टिफिशियल ग्रिड्स और नेटवर्क्स बिछा के रखे हुए हैं, जो कि हमें नेगेटिव इमोशन ट्रिगर करता है, हमसे गलत काम करवाने के लिए भी ट्रिगर करता है। आजकल का जो टेक्नोलॉजिकल एरा चल रहा है, आपको पता ही है कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल के टेक्नोलॉजी का। ये सब हमारे इमोशनल एनर्जी को चुराने के लिए ही है। हमारे प्लैनेट्स पे माइंड कंट्रोल की जाल ऐसी बिछाई गई है और आर्टिफिशियल ग्रिड्स और नेटवर्क से ऐसी ऐसी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है जो हमें नेगेटिविटी पैदा करती है, खतरनाक पिक्चर्स दिखाती है, गलत गलत हरकतें और एक्शंस को दिखाती है, जैसे कि मीडियाज वाले करते हैं। ये सब कुछ हम में नेगेटिव इमोशन पैदा करके हमसे इमोशनल एनर्जी चुराने के लिए होता है। सैतानिक रिचुअल से सबसे ज़्यादा पावरफुल लूस एनर्जी निकलती है, इसलिए वो टॉर्चर करना, इंसानों को मारना, सुसाइड करवाना, ये सब पसंद करते हैं। रॉबर्ट मोनरॉय, जो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के टॉपिक पर रिसर्च करने वाले सबसे फेमस रिसर्चर हैं, वो अपने बुक फार जर्नी में बताए हैं कि जब वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे थे तो उनका कॉन्टैक्ट एक लाइट बींग से हुआ, जिसने उन्हें बताया कि जब इंसान मरते हैं तब उनकी इनर्जी रिलीज हो जाती है और इन नेगेटिव एंटिटीज के द्वारा हार्वेस्ट कर ली जाती है। हम जितना भी नॉलेज विजडम लेकर जाते हैं सब कुछ रिसाइकल हो जाता है। इससे यही पता चलता है कि हमारी पृथ्वी एक ऐसी गार्डन की तरह है जो उन नेगेटिव एंटिटीज के लिए भोजन पैदा करती है। मोनरॉय ने यह सब बात जो लाइट बींग से सुनी थी, ये सब हमारे वेद, उपनिषद और पुराण में मिल जाता है। जैसे कि अथर्ववेद में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पे, जो कि एक छोटी सी यूनिवर्स की तरह है, यहाँ पे सेक्रीफाइसेस होती रहती है। और गर्व उपनिषद में भी बताया गया है कि जो जो इस धरती पे रहते हैं वो सब बलिदान देने वाले हैं। ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है इस धरा पे जिसने बलिदान नहीं दिया, सब रिसाइकल हुए हैं। इन सब ग्रंथों को जो जो लिखे थे वो सब हाईली डेवलप स्पिरिचुअल बींग थे, जो कि हमारे डिसेंशन साइकिल में मदद करने आए थे, इसलिए उन्होंने इतना कुछ दिया ताकि ज़्यादा बर्बादी ना हो, स्पेशली डिसेंशन साइकिल में मदद करने वाले नॉलेज दिए। और क्योंकि अब पृथ्वी पे एसेंशन साइकिल शुरू हो चुका है, तो ये डिसेंशन वाली नॉलेज भी हमें एसेंड होने में मदद करेगी, इसलिए वेद का रोल ग्रेट अवेकनिंग मैप में भी है। तो यही थी एनर्जी हार्वेस्टिंग की सच्चाई। अब हीलिंग की बात करते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को यह सब सुनकर डिस्टर्बेंस फील हुई होगी। ये सब जानकर डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब फूड चेन का हिस्सा है। जैसे इंसान जानवरों का शिकार करते हैं, वैसे ही ये ट्रांस डायमेंशनल बीइंग्स हमारा शिकार करते हैं। सबसे पहली बात, जो अस्ट्रल प्लेन में जो बैठे हुए हैं हमारा शिकार करने के लिए, उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि एसेंशन टाइमलाइन शुरू हो चुका है और हमारी धरती भी पहले से काफ़ी हील हो गई है। तो वह पैरासाइट जो कि अस्ट्रल प्लेन के एंट्रेंस के पहले हैं, वो हट रहे हैं और गार्डियंस फैमिली भी मदद कर रहे हैं। सब कुछ पृथ्वी के हीलिंग पे डिपेंड है और यह बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उससे अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और रही बात नेगेटिव एलियंस की, जो एनर्जी हार्वेस्ट करके स्टोर करते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, तो वह हमारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सबकॉन्शियस लेवल पर ट्रिगर करते हैं। कई सारे वह AI नेटवर्क्स बिछा कर रखे हुए हैं जो हमें नेगेटिव इमोशन ट्रिगर करता है। तो आपको देखना है कि कहाँ पे आप ट्रिगर हो रहे हो, कब आप में नेगेटिव इमोशन पैदा हो रहा है, ये सब ऑब्जर्व करना है, तभी आप रोक पाएंगे। जब हम रोकते हैं, उनके ट्रिगर्स को फेल कर देते हैं, तो उनके नेटवर्क्स डिसेबल होने लगते हैं। अगर ऐसे ही सब कोई नेगेटिव इमोशंस को पहचान कर रोक पाए तो उनका नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो हमारी एनर्जी का भी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। बट सब कोई ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो सोए हुए लोगों को जगाने का एक रास्ता है कि उन नेटवर्क को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो वो माइंड प्रोग्रामिंग से भी आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए तो गार्डियंस फैमिली उन नेटवर्क्स को बंद करने वाला रिवर्सल कोर्स के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि कबाल्स के पास है। ऐसे भी कोर्स लिया जा सकता है और वह नेटवर्क्स को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट लड़ाई, बॉम्ब ब्लास्ट करना, ये सब कौन चाहेगा। ट्रांजिशन को स्मूथ रखना है उनको, तो वो हमारी मदद करते रहेंगे। फिलहाल आप उनके ग्रिड्स को कमज़ोर बना सकते हैं। ट्रिगरिंग पॉइंट्स को ऑब्जर्व करिए और उसको फेल करिए। जब हम गुस्सा होते हैं तब उस वक्त नेगेटिव इमोशन बहुत ज़्यादा पैदा होता है, या फिर फाइट करते हैं तब भी हमारी एनर्जी लूज में कन्वर्ट होकर निकल जाती है। इसलिए तो हमें ऐसी बिहेवियर के बाद एनर्जी की कमी फील होती है, थकान होता है। तो आपको ऐसी ट्रिगरिंग से बचना है। उसके बाद उनके नेटवर्क को भी आप फीड करना बंद कर देंगे। साथ ही आप अपने ऑरा को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप साल्ट बात कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप इंटेंशन ही सेट कर ले, ऐसी इंटेंशन बना ले कि आपकी एनर्जी कोई भी फीड नहीं कर सकता है। ये सबसे पावरफुल तरीका है। तो ये सब मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव एंटिटीज़ के वाइब्रेशनल लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, तभी वो आपकी एनर्जी की हार्वेस्ट करते हैं। इसलिए हाई वाइब्रेट कीजिए, एनर्जी हार्वेस्टिंग वो नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर कई लोगों को डरावना भी लगा होगा, बट बताना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस लेवल पे भी ट्रिगर करते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। इसलिए लड़ना सीखिए। आपकी एनर्जी की हार्वेस्टिंग तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे।